दोस्तों आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे रेडमी के इस वायर्ड ईयरफोन को, जो कि आपको अमेजोन पे 400 रुपये के आसपास ईजिली देखने को मिल जाता है। कभी कभी इसकी प्राइसिंग 350 रहती है, कभी 400 रुपये, कभी कभी जब सेल लगता है तो 300 रुपये में भी आपको यह ईयरफोन देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, आपको बताते हैं हम अपने ओपिनियन की किन लोगों के लिए बना हुआ है, क्या इसमें बेस मिलता है, हमें हेवी बेस मिलता है या फिर नहीं। तो हमने इसको ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है हमारा एयरफोन और कुछ इस तरह की पैकेजिंग में हमें देखने को मिलता है। तो यह जो है ना एल टाइप कनेक्टर है, जिसकी मदद से आप अपने एयरफोन को मतलब पॉकेट में फ़ोन रखोगे तो एयरफोन का जो वायर वो मुड़ेगा नहीं। माइक यहाँ पर बीच में दिया गया, यानी कि कॉल करते समय आपका जो माइक है आपके मतलब माउथ के पास में ही रहेगा। स्पीकर का जो साइज़ देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है, जिसकी मदद से इसमें जो साउंड क्वालिटी है, जो कि इसमें हमें 10 mm का ड्राइवर्स देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो है ना इसमें अच्छा खासा हमें थंपिंग बेस भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको बाई करने वाले हैं तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यह जो एयरफोन है उन लोगों के लिए है जो थंपिंग बेस यानी कि जो कड़क बेस होता है ना वो सुनना चाहते हैं, जिनको सॉफ्ट बेस चाहिए उनके लिए MI का जो बेसिक ईयरफोन आता है जो कि 399 रुपीज़ का है वो सही रहेगा। MI के बेसिक ईयरफोन में जो बेस मिलता है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलता है। जिसको सॉफ्ट बेस पसंद है ना उनके लिए MI का बेसिक ईयरफोन है। देखिए दोनों ईयरफोन अपने जगह पे सही है, जिनको ज़्यादा कड़क बेस चाहिए, जिनको एकदम हार्ड वाला बेस चाहिए उनके लिए ये जो MI का जो ये वाला जो ईयरफोन है मतलब रेडमी का जो बेसिक ईयरफोन है आप ये ले सकते हो, नहीं तो आप MI वाला भी ले सकते हो। दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया, दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको जो इच्छा हो आप जा करके ले सकते हैं।